अगर भविष्य बताने वाली कोई मशीन हो और पाकिस्तान उसमें अपना भविष्य पता करे कि अगले 20 साल बाद वो कहां होगा, तो उत्तर पता क्या आएगा कि पाकिस्तान नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हरकतें कुछ ऐसी ही हैं पाकिस्तान की। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में है। आईसीजे ने अभी कुछ ही दिन पहले किस तरह से पाकिस्तान को फटकार लगाई पूरी दुनिया ने देखा। काउंसलर एक्सेस के लिए पाकिस्तान हालांकि मान गया है। कल ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान मान चुका है। भारत ने कहा कि उससे हम डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे और उनकी बात सुनेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान ने पता क्या किया, जिस पर आप देखकर कहेंगे कि पाकिस्तान है, जिसकी फितरत में सुधरना है नहीं। कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिल चुका है। पाकिस्तान ने भी हामी भर दी है, लेकिन शर्तें पेश कर दी हैं। और शर्तें आप देखेंगे तो कहेंगे कि सुधर जा पाकिस्तान। तो चलिए सबसे पहले आपको पहली शर्त दिखाते हैं। पहली शर्त यह है कि काउंसलर एक्सेस के दौरान एक पाकिस्तानी अधिकारी वहां पर मौजूद रहेगा। जाहिर सी बात है कि वो जाधव पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगा, जिसे जाधव कोई ऐसी बात ना बता दे जिससे पाकिस्तान की हरकत सामने आ जाए। दूसरी शर्त पर नजर डाल लीजिए। काउंसलर एक्सेस की प्रक्रिया के दौरान वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। ऐसी हरकत पाकिस्तान पहली बार नहीं करेगा, बल्कि जब जाधव की मां और पत्नी मिलने आए थे तब भी उन्होंने सीसीटीवी कैमरा और एक फोन वहां पर रखा था, जिसके द्वारा वो उनकी पूरी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। लेकिन वो तस्वीर तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी कि जब मंगलसूत्र तक उनकी पत्नी और मां का उतरवा दिया गया था, अब पाकिस्तान कुछ ऐसा ही करेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आईसीजे के बात को भी पाकिस्तान पूरी तरीके से नहीं मान रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत ऐसी है, वो आगे दिखता कुछ और है और पीछे से कुछ और नजर आता है, और ऐसा ही वो इस बार करता नजर आ रहा है। यानी कि जब काउंसलर एक्सेस मिलेगा, जब वो राजनयिक से बात कर रहे होंगे, तब पाकिस्तान सब कुछ सुन रहा होगा। फिर ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे काउंसलर एक्सेस का फायदा ही क्या है। हालांकि भारत ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और लगता है कि भारत इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा, कड़ा रुख अख्तियार करेगा, जिससे पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय जरूर रखिए इस पूरे मुद्दे पर। साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।